हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज एक नोटिफिकेशन जारी की है जो कि है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आरएनपी रूल्स के बारे में, जो रहने वाली है पोस्ट कोड 889 के बारे में। तो ये जो पोस्ट रहेगी स्टेनोटाइपिस्ट की रहेगी। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि आपने 10+2 की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी से, तो और उसके बाद जो आपको जो है वो आपको शॉर्ट हैंड जो स्किल टेस्ट होता है वो टाइप जो है टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो इंग्लिश में जो है आपकी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो हिंदी में भी है वो भी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी शॉर्ट हैंड पे टाइपिंग। और जो आपकी जो कंप्यूटर पे टाइपिंग होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 है, जिसमें कि जनरल रिजर्व की 2, एससी रिजर्व की 1 और ओबीसी रिजर्व की 1 पोस्ट है। तो बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो जो आउट ऑफ जो स्टेट है हिमाचल से बाहर के कैंडिडेट ने जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए है। तो इन कैंडिडेट्स को के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ये जो कैंडिडेट्स है टोटल 37, तो ये जो आयोग को जो है अपना 3 दिन के अंदर जो अगर आपने 10+2 या फिर आपके पास बोनाफाइड हिमाचल लिया तो आपने जो है वो मेल करने आयोग को जो एड्रेस है वो इस एड्रेस पर सेंड करने हैं कि SSBHP@NIC.in पे, और 3 दिन के अंदर करने हैं मेल करने हैं आपको, ठीक है। बाकी इन्हीं कैंडिडेट्स को करने हैं, ये रहेगा जो पोस्ट कोड 903 के लिए। तो बाकी किसी कैंडिडेट्स को अपने ये सर्टिफिकेट आयोग को सेंड नहीं करने हैं। तो ये जो कल की नोटिफिकेशन है लेकिन रह गई थी तो मैंने आपके साथ जो है वो आपके साथ शेयर कर दी। तो आपको इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो JOIT के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी एक सेपरेट ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।